हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चेन्नई ब्लॉगर चित्रा। हेलो एवरीवन, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं हूँ किचन में। आज का डेट क्या है? 26 अप्रैल 2021। मैं हूँ किचन में। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 9:30। बनाने जा रही हूँ लंच। मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, इसलिए आई। मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है चावल और एक तरफ बनाने जा रही हूँ मैं दही का ही। मतलब दही को कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ उसको मट्ठा जैसे बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने अभी चढ़ा दिया है तेल इसमें। आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तेल गर्म हो गया फ्रेंड्स। मैंने इसमें डाल दिया लहसुन 2 कलियों को। थोड़ा सा उड़द दाल डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से लाल हो गया है। अब मैं इसके साथ डालूंगी थोड़ा सा जीरा। और डालेंगे थोड़ा सा सरसों और जीरा। अच्छे से चला लेंगे। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। காமி எவ்வளோ இருக்குதோ காமி थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और गैस कर देंगे ऑफ। अब इसमें डाल देंगे हम दही। अभी मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की सब्जी। आमचूर डाल के मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें डाल देती मैं थोड़ा बहुत तेल। तब तक मैं फटाफट लौकी काट लूंगी छील के।
रुहु बच्चा आरती ले लेना ना। हाथ नहीं लगाना ना बीबी। आरती ले लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी डॉटर, उसका चल रहा है टीवी और बहुत ही ज़्यादा बिजी है। रूही बच्चा, रूहू, रूहानिका देख रहे हैं ना, वो दिन भर पेपा पिग ही देखती है, उसका पूरा ध्यान पेपा पिग में ही रहता है। रूही पिल्लू हाय, लो मैडम जी ने हमें भाव भी नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 10:30 और मैं अपना ये जो टी है, मसाला टी, वो लेकर इसमें लेमन डाला है मैंने और पीने वाली होगी मैं। खाना बनाते बनाते मैंने बीच में पूजा भी कर लिया घर का, और मैं बगैर पूजा किए पानी भी नहीं पीती, इसलिए मुझे ये पीने में हमेशा डेली लेट हो जाता है। तो आइए पीते हैं। हम लोग टीवी में कुछ भी नहीं देख पाते क्योंकि दिन भर हमारे यहाँ यही कार्टून ही चालू रहता है, पेपा पिग हो गया या फिर और क्या देखते रही बच्चा, बहुत सारे, मुझे तो याद भी नहीं है बहुत सारे। थॉमस एंड द फ्रेंड्स, वो पग्स का एक आता है ना, वो सब कुछ पता नहीं क्या क्या देखती है पर बहुत ध्यान से देखती है। तो आइए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किचन में, हमारा फेवरेट प्लेस। सो फ्रेंड्स, मैं बाहर आई हूँ, पीछे मैंने मशीन में कपड़े डाले हैं। ये हम लोगों का बालकनी है, कपड़े डाले हैं धोने के लिए और कपड़े अभी धो रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम। सब्जी हो गया रेडी, सिर्फ लास्ट में इसमें डालने जा रही हूँ अभी एवरेज का ड्राई मैंगो आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालेंगे इसको, चटनी डाल दीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी हो गया है दोपहर, हम लोगों ने खाना खा लिया है। रूही सोई थी, रूही उठ गई, रूही ने खाना खा लिया, मेरे हस्बैंड भी आए थे, वो भी खाना खा कर चले गए हैं अभी। एक्चुअल में मेरे पास एक पार्सल है ओपन करने के लिए, तो आइए देखते हैं कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। ये एक्चुअल में मीशो से मैंने ऑर्डर किया है, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें।
और देखते हैं कि क्वालिटी कैसा होता है मीशो का। मैंने मीशो से कभी इतना सारा सामान ऑर्डर नहीं किया है। और इसको मैंने डायरेक्ट अंदर नहीं लेकर आया है, इसको मैं बहुत मतलब ये कल आया हुआ पार्सल है और कल से ये धूप में ही था, उसके बाद मैं अभी इसको अंदर लेकर आई हूँ। कल नहीं परसों आया हुआ पार्सल, कल तो पूरा लॉकडाउन था, परसों आया हुआ पार्सल है ये, और ये पूरा था धूप में। व्हाट इज दिस रूही, क्या है नाना ये? तो देखिए फ्रेंड्स ये है, इसका सिस्टम है कुछ ऐसा। रुको बच्चे रुको रुको, ये देखिए फ्रेंड्स ये एक्चुअली ऐसे रखने के लिए, ये मुझे अपने फ्रिज पर रखवाने के लिए मैंने मंगाया है, और इसमें मैं थोड़े बहुत इंडोर जो प्लांट्स होते हैं वो रखना चाह रही थी इसलिए मैंने ये मंगाया है। वैसे बिल्ड क्वालिटी तो कैची से नहीं खेलते रहूँगी, बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, स्ट्रांग लग रहा है मुझे। यूज़ करने के बाद मैं बताऊँगी ये कैसा है। ये देखिए स्टैंड, ये मुझे पड़ा 280 रुपीज़ का पड़ा मुझे, ये स्टिफ भी है, ऐसा नहीं है कि हिल रहा वगैरह कुछ, स्टिफ भी है, पर करना। हाँ अब ये नहीं हिलेगा क्योंकि ये यहाँ पैक हो गया है। अच्छा है, आपको सिट करना है, इसमें सिट करना है, बैठ जाओ सिट रूही। तो देखिए अभी इसका टेस्ट हो जाएगा, रूही चढ़ के देखेगी, सिट लीजिए। अच्छा है, ओके रूही, ओके यहाँ बैठ जा, हाँ सिट। रूही ने इसको ओके कर दिया है, इसका मतलब ये स्ट्रांग है और अच्छा है, आप लोग भी खरीद सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए तो। मैंने ये मीशो से 280 का लिया है और इस पर मैं इंडोर प्लांट्स लगाऊंगी, जब इसमें मैं इंडोर प्लांट्स लगा दूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये कैसा दिख रहा है, मतलब इस पर सेट वगैरह करने के बाद अगर हो सके तो। अगर मुझे इंडोर प्लांट्स नहीं भी लगाना है तो देखिए रूही अच्छा आइडिया दे रही है कि आप ऐसे रख के उस पर अपने बच्चों के खिलौने भी, मतलब जो सॉफ्ट टॉयज है वो भी रख सकते हैं। मेरे पास तो वैसे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज है रूही के, पर देखते हैं कि क्या रख पाएंगे हम लोग। जहाँ तक हो सके मैं तो यहाँ इस पर जो वास्तु प्लांट्स है या फिर जो इंडोर में मनी प्लांट रखना चाह रही थी वो सभी रखूंगी। तो देखिए मेरी रूही ने ऑलरेडी इस पे एक डक को बिठा दिया, इधर यहाँ अपना उसने ड्रम रख दिया है, और इधर रूही, हाँ अच्छा यहाँ पर भी इसने रखा है ये ड्रम बजाने वाला। सो बच्चे आजकल ज्यादा क्लेवर है, तो मैं तो डिसाइड करती ही रह गई कि क्या रखूंगी, ऑलरेडी रूही ने उस पे सब कुछ रख दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स आइए फिर मिलते हैं हम। फ्रेंड्स गुड इवनिंग, टाइम हो गया है मैक्सिमम 7:30 हो रहा है, हम लोग ऊपर जाके वॉकिंग वगैरह सब कुछ करके आ गए, पर मैंने आज शूट कर ही नहीं पाई, मैं मुझे टाइम ही नहीं मिला, ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था ऊपर शायद से, क्योंकि हमने ब्रूनो को ऊपर छोड़ा था, वो खेलते हुए पूरा उसने कचरा कर दिया। तो अभी मैं हम लोग आए, मैंने रूही को खाना खिलाया, अभी मैं खाना खा रही हूँ। तो आज देखते हैं खाने में क्या है। खाने में मैंने बनाया रोटी, मैंने लिया है टमाटर की चटनी, लौकी की सब्जी और एक पूरा प्याज, क्योंकि इस समय में जितनी गर्मी पड़ रही है उसमें अगर आप डेली एक प्याज खाते हैं तो आपको लू नहीं लगेगा। ठीक है तो आइए खाते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। होप यू लाइक द वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।